मैंने क्रेडिट नाइफ मैन के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी क्रेडिट मैन के बारे में सुना है? हरे रंग का नाइट जो उसके सामने एक ट्री मैन की तरह दिखता है। राजा आथा को चुनौती दी। बाद में रानी ने लिफाफा खोला। अंदर की सामग्री चौंकाने वाली है। यदि केवल राजा आथा के शूरवीर उसका सिर काट सकते थे, उसके हाथ से लंबी कुल्हाड़ी ले सकता है। लेकिन अगले साल क्रिसमस से पहले उस आदमी को चर्च ग्रीन में ले जाया जाना चाहिए। ग्रीन नाइट से वही झटका लें। इसे सुनो, आर्कमेज मलिन को देखने के लिए किंग आथा ने अपना सिर घुमाया और मलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप जादू कर दिया। राजा आथा को बताओ कि यह एक छोटी सी भूमिका है। इस समय राजा आथा का भतीजा गवन बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर चला गया। नाइटहुड के लिए यह उनका सबसे अच्छा मौका है। बस हरे नाइट का सिर काट दें। एक साल बाद किए गए वादों को पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखिए गांव वेन कितने बहादुर हैं। राजा आथा ने स्वयं अपनी तलवार सौंप दी। वेन ने तलवार ली और ग्रीन नाइट का सामना किया और दूसरा पक्ष सीधे उनके घुटनों पर गिर गया, अपनी गर्दन दिखा रहा है। अगले सेकंड में गांव वेन ने अपनी तलवार उठाई और गिरा दी। हरे नाइट का सिर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। वेन बस घूमना चाहता था और राजा आथा को दिखाना चाहता था। उसके पीछे हरा शूरवीर धीरे धीरे खड़ा हो गया, अपना सिर उठाया। एक साल में मिलते हैं। अनुबंध तुरंत प्रभावी होता है। हॉल से बाहर निकलते हुए ग्रीन नाइट को ग्वेन एकटक देखता रहा और आसपास के नागरिक और सैन्य अधिकारी, उन्होंने गांव वेन की बहादुरी की भी प्रशंसा की। जल्द ही एक साल बीत गया। पूरे देश के लोगों के आम ध्यान के तहत राजा आथा गावन को व्यक्तिगत रूप से विदा करते हैं। रवाना होने से पहले माँ ने गांव वेन को ग्रीन बेल्ट दी। ये चीज नाजुक वक्त में उसकी जान बचा सकती है। तब ग्वेन ने ग्रीन नाइट की लंबी कुल्हाड़ी ली। सड़क पर अकेले घूम रहे हैं, लेकिन अभी आधा दिन ही बीता है। ग्वेन, जो शायद ही कभी महल छोड़ता था, खो गया। इस समय एक मेहतर किसी प्रियजन की अस्थियों की तलाश में आगे की कार्रवाई करना। लड़के के मुंह से गांव वेन ने आगे के रास्ते के बारे में पूछा। हालांकि जब सफाई कर्मियों ने उनसे भुगतान मांगा, गांव वेन ने उसे सिर्फ एक सिक्का फेंका। सफाई कर्मियों की मायूस आंखों में गांव वेन ने अपने घोड़े को थपथपाया और चले गए। लेकिन दूर नहीं डाकुओं के एक गिरोह ने उनका रास्ता रोक लिया। उपस्थित हों, यह मेहतर ही था जिसने लोगों को यहां घात लगाने के लिए प्रेरित किया। वेन की कंजूसी ने उसे बहुत क्रोधित किया। जल्द ही गांव वेन का सारा कीमती सामान उससे ले लिया गया, यहां तक कि जीवन रक्षक ग्रीन बेल्ट भी, साथ ही सफाई कर्मियों द्वारा तोड़ दिया गया। तब तीनों ग्वेन के घोड़े पर सवार होकर निकल गए और गांव वेन केवल पैदल ही आगे बढ़ सकते थे। दिन रात ऐसे ही चलने के बाद रात के लिए ठंड से बचने के लिए ग्वेन एक गुफा में छिप गया। इस समय छोटी लोमड़ी छेद पर खड़ी होती है और उसे देखती है। ग्वेन ने उसे अंदर बुलाया, मेरे बगल में सो गया। अगले दिन छोटी लोमड़ी के साथ गांव वेन अपने रास्ते पर चलता रहा। हालांकि वो दरिद्र है, पहले से ही भूखा और ठंडा। अंत में मैं अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए सड़क के किनारे जंगली मशरूम ही खा सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मशरूम जहरीले हैं या नहीं। जब गांव वेन उठा और अपने रास्ते पर चलता रहा, उसके सामने के दृश्य ने उसे थोड़ा अविश्वसनीय बना दिया। 100 मीटर की ऊंचाई वाले 7 दिग्गज पहाड़ों के बीच धीरे धीरे चलना। वेन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चिल्लाया, एक विशाल का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिद्वंद्वी के ऊपर आने की प्रतीक्षा करें, गावन जोर जोर से चिल्लाता रहा। कहा कि वो दिग्गजों के कंधों पर सवार होकर घाटी के पार जाना चाहता है। विशाल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। मैं बाहर पहुंचा और इसे सीधे दबाया। निर्णायक पल, नन्ही लोमड़ी उसके सामने दहाड़ती रही। इसके बजाय इसने विशाल की जिज्ञासा जगा दी। मेरे सामने इस अजीब छोटी सी चीज को देखो। विशाल बिना पीछे देखे चला गया। इस तरह रात तक मुझे नहीं पता कि छोटी लोमड़ी कहां गई, और गांव वेन अंत में इसे और नहीं रोक सके। जमीन पर बैठ गया और फिर उठ नहीं सकता। तभी उसने ऊपर देखा। मुझे पता चला कि मेरे सामने एक लकड़ी का घर था। वेन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। सीधे घर में, फिर बेडरूम ढूंढो और सो जाओ। आधी रात तक सोना। ग्वेन पलट गया और अचानक मिल गया। एक महिला बिस्तर के पास खड़ी उसे देख रही है। ग्वेन ने सोचा कि घर का मालिक वापस आ गया है। बाहर भागते हुए एक दूसरे से क्षमा याचना करते हुए लड़की ने गांव वेन को रुकने के लिए कहा और उससे कुछ खोजने में मदद करने के लिए विनती की। बात कर रहे ग्वेन को घर के बाहर तालाब में ले गया। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? मेरा सिर। जैसे ही यह शब्द निकला, गांव वेन इतना भयभीत था कि उसके पैर लड़खड़ा गए। लेकिन लड़की ने आगे क्या कहा, लेकिन उसे शांत किया। पहले लड़की के कमरे में कोई घुस गया। वो एक पागल प्रेमी था, क्योंकि मुझे कभी किसी लड़की का प्यार नहीं मिला। उसने बेरहमी से उसके कटे हुए सिर को तालाब में फेंक दिया। इसे सुनो, गांव वेन की और कहने की हिम्मत कैसे हुई? इसलिए सीधे तालाब में कूद जाएं। लड़की की खोपड़ी को पानी के तल से ऊपर लाया गया। जब गावन दोबारा केबिन में लौटा, वो बिस्तर मिला जिस पर वो अभी अभी लेटा था। बच्ची का शव पड़ा हुआ है और हाथ में खोपड़ी। अचानक जीवित हो गया वेन की हैरान निगाहों के नीचे जमीन पर गिरा सिर बोला, हरा शूरवीर वो है जिसे आप जानते हैं। गांव वेन ने अपनी आंखें ठीक की। लड़की वापस हड्डी में बदल गई। उसने खोपड़ी और शरीर को एक साथ रखा, जल्दी से केबिन से बाहर निकल गया। दिन रात के लंबे सफर के बाद गांव वेन आखिरकार एक और परिवार से मिले। जैसे ही वो महल के द्वार से गुजरा, तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लेकिन सौभाग्य से इस बार यह एक बड़ा परिवार था जिसने चीनी मिट्टी के बर्तन को छुआ। महल के मालिक ने उसे बताया।
यहाँ से ग्रीन चर्च काफी नजदीक है, इसलिए गाओ वेन ने यहाँ कुछ दिन आराम करने का फैसला किया। मरने के लिए वापस आओ। हालांकि एक दिन बाद गाओ वेन के सामने एक नई परीक्षा आई। महल के मालिक ने उसके साथ एक सज्जन का समझौता किया, वो उस शिकार को ले लेगा जिसे वो दिन में मारता है। सड़क के लिए भोजन के रूप में गावन और ग्वेन को महल के मालिक को सौंप दिया जाएगा। उसे यहाँ कुछ भी मिलता है। सर्वप्रथम गाओ वेन को नहीं लगा कि कोई समस्या है। जब तक महल का स्वामी नहीं निकल जाता, उसकी पत्नी अंदर चली गई। अरिचारिका हर दिन कम और कम कपड़े पहनती है। पहले दो दिन ग्वेन ने सिर्फ चुंबन के साथ सम्मान दिया, लेकिन तीसरा दिन परिचारिका ने न केवल लूटी गई ग्रीन बेल्ट को अपने कब्जे में ले लिया। ग्वेन मौके पर ही खुद को बाहों में भर ले। अंधेरे से पहले ग्वेन जल्दबाजी में महल से भाग गया। नतीजतन मैं बस जंगल में भाग गया और मिला महल का मालिक जो शिकार करके लौटा था। गाओ वेन दोषी महसूस किया, वो ग्रीन बेल्ट नहीं देना चाहता तो बस एक दूसरे को चूमो। और महल के मालिक ने भी समझौते का पालन किया, आज का शिकार निकाल लिया और वही छोटी लोमड़ी निकली जिससे मैं पहले मिला था। एक दिन बाद गावन आखिरकार ग्रीन चर्च पहुँचे, केवल तभी जब वो अंदर जाने के लिए तैयार हो। उसके बगल में छोटी लोमड़ी वास्तव में बोलती थी। उसने गाओ वेन को अंदर न जाने के लिए राजी किया। हालांकि गाओ वेन ने अपना मन बना लिया है, जैसे सूरज उगता है हरा शूरवीर भी समय पर जीवित हो उठा। उसने जमीन पर पड़ी लंबी कुल्हाड़ी उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चला गया। बस जब कुल्हाड़ी गिरने वाली हो, ग्वेन फड़फड़ाया, जब मौत आती है वो अभी भी शांति से इसका सामना नहीं कर पा रहा है। बस मानसिक तैयारी करो, हरे शूरवीर ने फिर से कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन ग्वेन फिर भी मुकर गया। जब हरी शूरवीर ने तीसरी बार अपनी कुल्हाड़ी उठाई, ग्वेन घूमा और ग्रीन चर्च से बाहर भाग गया। फिर वो पूरी रात दौड़ता रहा और राजधानी लौट आया। स्वागत के लिए पूरे शहर के लोग लाइन में लग गए। इस प्रकार गावन को सिंहासन विरासत में मिला। सिंहासन पर चढ़ने के बाद ही मेरी पूर्व प्रेमिका को तुरंत छोड़ दिया और बच्चे को पालने के लिए वापस छीन ले। बाद गावन दूसरे राज्यों की राजकुमारियों से शादी करती है। हालांकि भर में उन्होंने उस ग्रीन बेल्ट को कभी नहीं हटाया। थोड़े ही देर के बाद ग्वेन ने सैनिकों को हर जगह लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके बच्चे युद्ध में मारे गए और युद्ध जमीन खो रहा है। सेना द्वारा राजधानी पर आक्रमण करने से पहले ग्वेन ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को विदा कर दिया। फिर हरी पट्टी खोलो और तुरंत मरो। अगले सेकंड ग्वेन ने अपनी आंखें खोली। ये केवल एक स्वप्न था। अगर वो ग्रीन बेल्ट के साथ बच गया, फिर कपट के कारण उसे गद्दी मिली, ये बस खत्म हो जाएगा। ग्वेन ने ग्रीन बेल्ट को एक तरफ फेंक दिया, अंत में मरने के लिए तैयार। हालांकि कुल्हाड़ी काटने से पहले ग्रीन नाइट अचानक रुक गया। वो सिर्फ गावन की गर्दन पर है, एक नाखून से खरोंच, तब कही अपने सिर के साथ वापस जाओ। फिल्म में सेटिंग के अनुसार ग्रीन नाइट को गावन की माँ ने बुलाया था। बेटे के यार के आगे माँ की तरक्की नहीं होती, इसलिए उसने जोखिम उठाया और ग्रीन नाइट को तलब किया, केवल इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए। ग्वेन को एक सच्चा शूरवीर बनाओ मेरे बेटे की सुरक्षा के लिए। उसने फिर भी ग्रीन बेल्ट को हटा लिया और एक छोटी सी लोमड़ी में बदल गया। चलो इसे चुपके से बचाते हैं।